जितने भी लोग हैं सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग इतना प्यार और इतनी मोहब्बत मुझे जो देते हैं। मैं अचानक लाइव आया, उसका रीज़न है कि लॉकडाउन के बाद से आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में मुझे चौथे नंबर पे सर्च किया है। पूरे हिंदुस्तान में भोजपुरी का कोई पहला ऐसा आदमी है जिसको आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा कैसे करूं कि अलका याग्निक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उदित जी, तीसरे नंबर पे कुमार शानू और चौथे नंबर पे एक रीजनल भाषा का आदमी जिसकी पहुंच बहुत कम है और शायद उतने लेवल के हमारे गाने भी नहीं होते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में आप लोगों ने टॉप 10 में मुझे आज 4-5 महीने से लगातार आप लोगों ने सर्चिंग में डाल दिया कि 4 नंबर पे मैं सर्च होता हूं, उसके बाद ही कोई होता है। तो दिल से प्रणाम है आप सबको कि ऐसे ही प्यार और मोहब्बत अपने इस भाई पे बनाए रखिए, अपने बेटे की तरह जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है। दुल्हन हुई जो पिया मन भावे, मेरी सिनेमा भी 7 तारीख को आप सबको टीवी पे देखने को मिलेगी और उसका मैं वीडियो एक बनाकर भेजूंगा कि किस टीवी पे आएगी, किस चैनल पे आएगी वो, जिसके प्रोड्यूसर हमारे अभय भैया हैं, शांत उज्वल जी। अदरवाइज मैं अपील नहीं कर सकता अगर सिनेमा गलत बनी है तो। अभी बन रही है और मुझे विश्वास है अपने डायरेक्टर पे, अपने प्रोड्यूसर पे, अपने आर्टिस्टों पे कि, और इसमें दोनों हीरोइनें नहीं हैं तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छा काम करूं। और दोनों लड़कियां बड़ी ऊर्जवान और बड़ी काबिलियत है उनके अंदर, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, डांसर भी हैं, तो शायद वो बेटर करेंगी मुझे लगता है। तो हाँ, तो आप लोग पूरे हिंदुस्तान में चौथे नंबर पे आज 6 महीने से मुझे रखा है, उसके लिए दिल से थैंक यू। अलका याग्निक के सामने मेरी कोई क्षमता नहीं है, उदित जी के सामने क्षमता नहीं है हमारी, कुमार सानू जी के आगे क्षमता नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतने बड़े सेलिब्रिटियों के सामने मुझे अपने गोद में बैठाकर और 4 नंबर पे रखा है। तो आप इतना सर्च, तो आप सब उतना ही प्यार और मोहब्बत देते हैं मुझे। ये और आदिशक्ति से जो रिलीज हुई थी, एंगल से जो रिलीज हुई थी, उसको आपने बहुत प्यार दिया और दे भी रहे हैं। 2 रुपया